अगली खबर कटनी से है, जहां जिला जेल झिझली में स्थित रंगनाथ थाना अंतर्गत एक विचाराधीन कैदी की मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल 4 मई को अवैध शराब के एक मामले में जेल गए झर्रा टिकुरिया निवासी कैदी राकेश की जिला जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रंगनाथ पुलिस के द्वारा विगत 3 और 4 मई की दरमियानी रात को भारत चौक झर्रा टिकुरिया निवासी 38 वर्षीय राकेश उर्फ रक्कू को 350 पाव अवैध देशी शराब सहित पकड़ लिया गया था, जिसके बाद उसे न्यायालय के आदेश पर कटनी जेल में दाखिल कराया गया था। और इसी बीच की यह घटना बताई जा रही है, जहां मंगलवार 7 मई के तड़के जेल के विचाराधीन कैदी रक्कू को अचेत अवस्था में लेकर शासकीय जिला अस्पताल पहुंचते, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने राकेश उर्फ रक्कू भर्ती को मृत घोषित कर दिया। काट डाला अपने चाचा की, तो एक कम से कम मैं 10:30 बजे डाल दिया था, तो 12-1 बजे कम से कम उन लोग 12 बजे बुला के लाए थे चाचा को। तो मेरी उनसे बात हुई, मैं बोला कि ठीक हो तो अंदर, बोलते हैं कि नहीं, वो रात में सिपाही लोग मारे पीटे उनको, बोले कि थाने से आ रहे तो थाने से भी मारे हैं, थाने में मारे नवीन शुक्ला, तो वहाँ से फिर आने के बाद बोलते हैं कि जेल में भी मारे हैं, तो मेरे को बोलते हैं कि बता देना चाचा लोग को घर में कि अंदर मतलब चोट मतलब मारे हैं, और बोल रहे थे कि हो सके तो जल्दी जमानत करवा लेना, और अंदर मारपीट कर रहे थे, बता रहे थे कि रात में 2 बजे मारे भी हैं। जेल में एक कैदी की मृत्यु हुई है, जिसका पीएम यहाँ जिला अस्पताल में मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा पंचायतनामा लिया गया एवं पीएम डॉक्टर की पैनल द्वारा किया गया है, और इसकी जांच की जा रही है। कोर्ट से जेएमएफसी महोदय थे, नायब तहसीलदार और डॉक्टर की पैनल थी।